हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सारे? तो आज अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश काफ़ी दिनों के बाद हुई है, काफ़ी ठंडा मौसम हो गया। और आप बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, सुंदर तो बादल हो गए। यही मौसम मेरे को अच्छा लगता है और इसी में मेरे को घूमना ज़्यादा पसंद है। तो आज इस वीडियो में बस यही बताना था कि हमने एक बाइक परचेज की है, उसको हम थोड़े कागजों में ख़त्म हो जाएगी तो उसको R15 में कन्वर्ट कर देंगे। थोड़े दिन तो चलाएंगे, उसके बाद बना देंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको वो बाइक दिखाता हूँ। होंडा स्टैनर CBF 125 cc है और जो 2009 मॉडल है, उसकी एक्सपायर डेट वो RC में 2024 तक है, 24 जून 2024 तक। तो उसके बाद हम उसको R15 में कन्वर्ट कर देंगे, उसकी किट ला के R15 की तो उसमें इंस्टॉल कर देंगे, तो बिल्कुल सही हो जाएगी। अभी तो थोड़ा उसको चलाते हैं बाइक को। सबसे पहले तो आपको मैं मौसम दिखाता हूँ कितना भयंकर हो रहा है। अब देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। ये स्कूल है जहाँ पे मैंने 10th तक पढ़ाई की है, मेरे गांव में ये स्कूल श्री कृष्ण, और इसी के साथ अपनी बाइक खड़ी है। देखो लगती है ना खतरनाक, पूरी रेड बुल है पूरी। इस बाइक के शॉट आपने काफ़ी बार देख लिए होंगे, मैंने इसकी शॉट वीडियो भी छोड़ी है कई, तो उम्मीद करते हैं आपने देखी होगी। परचेज तो मैंने इसको 3 महीने पहले कर लिया था, बस थोड़ा टाइम नहीं लग रहा था इसलिए चला नहीं पा रहे थे इस बाइक को। अब थोड़ा टाइम है इसलिए सोचा आज मौसम भी अच्छा है था कि आज वीडियो बनाते हैं। तो हम इस बाइक से अब थोड़े दिन जो मोटो व्लॉग करते हैं ना वो भी करेंगे। हमारे यहाँ पे एक हाईवे है जो यहाँ से चंडीगढ़ से और जयपुर को कनेक्ट करता है, तो हम सोच रहे हैं एक राइड करेंगे। लंबी तो नहीं होगी, बस यहीं पास में ही थोड़े पहाड़ दिखा देंगे आपको, हमारा जो टूल टैक्स का है टूल टैक्स दिखा देंगे और आगे तक घुमाएंगे। बाइक की परफॉर्मेंस भी चेक कर लेंगे कैसे चल रही है। पहले तो इसकी सर्विस भी करानी है मेरे को, फिर इसको कराते हैं। और बाइक में हम यहाँ पे स्टिकर भी लगाएंगे, यहाँ पे स्टिकर लगा देंगे अपने YouTube का चैनल का जो लोगो है वो भी, और RJ नंबरों में है भाई ये बैरोड नंबरों में। थोड़ी सी मरम्मत करानी पड़ेगी, बस ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है। पीछे का तो मैंने लेते ही काट दिया था ये मडगार्ड, बाकी सही है। इसको मैंने परचेज इसीलिए किया, थोड़ा मोटो व्लॉगिंग करेंगे हम भी, सीखेंगे थोड़ा अपने चैनल को ग्रो करेंगे भाई। बहुत दिन हो गए, बस बहुत करीब है मंजिल के, बस थोड़ा दिन और। ये नहीं है कि भाई घर पे हम वैसे ही वेले थोड़ी है, इसी के साथ मैं एक एक के 47 और बना रहा हूँ, जो आप मेरी कई वीडियो देख चुके हैं। मैंने एक बंदूक बनाई थी 12 बोर जैसी, दुनाली जैसी, तो हम एक एक के 47 और बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं वो वीडियो भी आपको पसंद आएगी। थोड़ी सी क्लिप आपको दिखाता हूँ मैं इसी में। तो लो भाई, कटिंग तो शुरू हो गई है। इसको ऐसे शेप देनी है पूरी, ग्राइंडर से घसेंगे जो आगे आपको वीडियो दिखेगी। कट तो कर लिया रैंडमली सी थोड़ा, देखो इसको घस कर बिल्कुल ओके शेप देंगे इसको। तो वो वीडियो भी बहुत जल्द आएगी, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्यों, कटिंग पटिंग बारीकी का काम है। वीडियो बहुत है बस थोड़ा टाइम नहीं लगता है, काम भी करते हैं भाई। और
आईटीआई भी जाते हैं आपको पता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम नहीं लगता। और इसी के साथ थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट इंजॉय करें, काफ़ी खूबसूरत स्काई है और मौसम भी घंट है, तो आपको दिखाते हैं सिनेमेटिक शॉट। टायरों में जो व्हाइट कलर का ऐसे पेंट करते हैं जैसे MRF लिखा होता है। जो आज की तो बस यही वीडियो बनी है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। बस थोड़ा टाइम लगते ही वीडियो बना दिया करेंगे, अपना चैनल भी मोनेटाइज होने वाला है, बस थोड़ा सा और वेट कर लो। तो आज के लिए इतना ही, बस बाय।